अब अपने लिए दूध पत्ती बना रहे हैं चाय। तुमने पी लिया? जी मेरे लिए भी बना दे। बिरयानी तैयार हो गई है, बहुत ही मजे की। बस मुझे तो काफी देर से बहुत भूख लग रही थी, अभी बस हम खाएंगे। और ये स्टार्टअप से सारे खाने तो सबको देनी चाहिए, क्योंकि अच्छी बात है, खाने में भी बरकत होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं इब्राहिम और वेलकम टू माय व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और अभी मैं जुमे की नमाज पढ़ के आई हूँ। और मौसम तो भाई बड़ा ही प्यारा ज़बरदस्त सा मौसम हो गया है। बादल नहीं आ रहे, पर अल्लाह करे बारिश हो जाए। बादल मतलब हैं, पर बारिश ने ऐसा नहीं लग रही कि होगी। तो फिर चलें फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का सीन ये है कि आज हम लोगों ने जाना है गाँव, क्योंकि फ्राइडे हम लोग काफ़ी टाइम से नहीं गए, तो फिर गाँव भी तो जाना था। तो फिर आज हम लोग का प्लान बनी कि हम जाएंगे हमारे गांव, आज जाएंगे, कल या परसों वापस आ जाएंगे। तो कि मैंने आपको बताया था कि मेरे बाबा हैं तो इंजीनियर है, कंप्यूटर पे काम करते हैं सारा ऑनलाइन। पर ये जो पीछे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये बाबा के पास जब टाइम हो जाए वो फ्री होते हैं, तो जो भी ऑर्डर्स आते हैं ना, तो फिर हम लोग ना इनको पैक करके भेज देते हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा हैं, ये कम से कम भी 50 हैं। और फ्रेंड्स, अभी बस सारी तैयारी कर रहे हैं, अभी अनाबी और युष्टा भी नहा रही हैं, फिर वो भी तैयार होंगी। तो फिर अभी मैं अपनी जुमे की नमाज कंप्लीट कर लेता हूँ, मैंने अभी दो सुन्नत होते हैं मैंने वो पढ़े नहीं, तो फिर अभी मैं जा रहा हूँ पढ़ने। तो अब फिर मिलते हैं जब हम लोग निकलने वाले होंगे। फ्रेंड्स, अभी जाने से पहले हम लोगों ने खाना खाया था, तो फिर बड़े मज़े का चिकन का सालन बना है। अभी हम लोग जा रहे हैं नान लेने। चलो भाई नान लेने चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं नान लेके आ गया हूँ, और साथ मुझे बहुत प्यार करती थी अपने टैंक को गया। अब बेला ने तो मुझे छोड़ना तो नहीं है, बोलेगा केले केले, बोले कि केले केले पी रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग गांव के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में पहले तो बहुत ही अच्छा मौसम था, लेकिन बाद में जाते जाते रास्ते में बहुत ट्रैफिक भी थी, तो हम लोगों की गर्मी से भी हालत बहुत ख़राब होने लगी। ऊपर से ये दरख्त जो है इनकी घुलने की वजह से तो रास्ता बहुत प्यारा हो जाता है। और फ्रेंड्स, रास्ते में इतनी ट्रैफिक थी कि हम लोग इधर आते आते शाम हो गई हम लोगों को, हम लोग बहुत थक गए थे। रास्ते में हम लोग बहुत थक गए थे, मैं सो गया था, अभी हम लोग बेकरी भी आए हुए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रास्ते में मनक्याला स्टूपा भी आते हैं, जो आ गया तो मतलब हमारा घर आ गया। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बहुत थक गए थे रास्ते में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश था। हम लोग 2.5 घंटे में पहुँचे हैं एक घंटे की जगह, और अभी हम लोग गाँव में पहुँचे हैं। अभी मैं अपने घर में हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ हम लोगों के जो कमरे इधर बचे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहले हम लोगों का बरामदा आता है, उसके बाद बाहर एक प्यारा सा लॉन है, और फिर उसके बाद हम लोग अपने कमरों के अंदर जाएंगे। तो इधर पहले एक बेड है, दो साइड टेबल हैं, एक बहुत ही प्यारा सा पर्दे भी लगे हुए हैं, जिससे कि बाहर बहुत अच्छा व्यू आता है दरख्तों का। और फिर उसके बाद बाहर सामने चटपाई पड़ी हुई है, जो कि हम लोगों ने उल्टी की हुई है, क्योंकि कोई इस पर फ़िलहाल तो बैठता है नहीं। और फिर उसके बाद ही साइड में हमारी कबर्ड है, और साइड पे ही बाथरूम भी है, जो जिसका कि दरवाज़ा खुला हुआ है। और ये आ गया हम लोगों का किचन, ये देखिए इस पर डेकोरेशन भी लगी हुई है। और ये सारा खाने पीने का सामान, और ये देखें कितनी बड़ी, इसका नाम है भूल गया हूँ क्या होता है ये पता नहीं। और ये इलेक्ट्रिक स्टोन ऑफ है, ये देखें कितना प्यारा किचन है। अभी हुआ हुआ थोड़ा गंदा है, वरना है बहुत प्यारा है। और ये हम लोगों का बरामदा है, ये हम लोगों ने इधर डेकोरेशन पीछे लगाए हुए हैं, पेंटिंग्स लगाई हुई हैं। और उसके बाद ये दादा दादू का रूम आ जाता है, ये देखें इधर भी हम लोगों ने डेकोरेशन पीस लगाई हुई हैं। और फिर दरवाज़ा खोल के आगे जाओ तो फिर ये रूम आ जाते हैं दादा दादू का, दादा भी लेटे हुए हैं इधर। और ये मैं सुबह की रोशनी में बना रहा हूँ, क्योंकि रात के वक्त सही नज़र नहीं आता। ये दादा दादू का बाथरूम है, ये उनकी विंडो है, और एक और इधर विंडो है जिससे के बाहर बहुत प्यार सामने खेतों का व्यू आता है, बहुत ज़बरदस्त। और ऊपर से मौसम भी प्यारा हो रहा है, तो और ज़बरदस्त हो गया है। और ये हम लोगों का दादा के कमरे प्लांट है। फ्रेंड्स, बाबा अपने लिए दूध पत्ती बना रहे हैं चाय। जी मेरे लिए भी बना दें। ये फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिक वो रखा हुआ है हमने चूल्हा, ये ना सुरमे का वो ट्रक लूट के आई है आज।
फ्रेंड्स अभी रात ही खाने के टाइम हो गए, फिर बड़ी मज़ा आ रहा है इधर, क्योंकि दिन को थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है। तो अभी पूछते हैं कि दिन के खाने में क्या बन रहा है। मम्मा क्या बन रही है दिन के खाने में? बीफ बिरयानी बन रही है, कुर्बानी के बीफ से। गाँव में आके कुकिंग करना इतना मुश्किल काम है, ऐसी कोई नहीं है आज। और मैंने आधा सिलेंडर पे बनाया है, आधा उधर दूसरा चाचू के बनाए हैं सिलेंडर पे, बस कुछ पक ही रहे। बहुत अच्छी आ रही है, अल्लाह करे कुछ अच्छा पक जाए, अच्छी होगा ना। साथ पेप्सी भी है, पेप्सी। फ्रेंड मम्मा तो जो भी बनाती हैं बहुत अच्छे ही बनाती हैं, यह भी बहुत मजे का होगा। ये मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा पानी है, तो मैं कहती हूँ उसको ड्राई कर लूँ। बस फिर दम वाला काम करते हैं, चावलों की लेविंग करेंगे और साथ डालेंगे सालन, सब मूव कर दिया। सालनों की बिरयानी तैयार हो गई है, बहुत ही मजे की। बस मुझे तो काफ़ी देर से बहुत भूख लग रही थी, अभी बस हम लोग खाएंगे। और ये साठ टप्सी भी है। फ्रेंड्स ये जब हम सारे खाते हैं तो सबको देनी चाहिए, क्योंकि अच्छी बात है, खाने में भी बरकत होती है। और आप भी पैसे भी दिखाएं, आप भी पास पैसे हैं इतने सारे। अभी मेरी बिरयानी बड़ी मजे की बीफ बिरयानी आ गई है, साथ पेप्सी भी है। और हम सारे लोग इधर बैठे हुए हैं, दादा दादू अपने कमरे में, और आप भी इधर बैठी है, और ऊपर बैठी हुई है। और फ्रेंड्स चले तेज कर देंगे बिरयानी कैसे बनी है। मम्मा ने बनाई, अच्छी होगी जी मैम। तो ये नहीं है फ्रेंड, बिरयानी तो बहुत ज़बरदस्त है, और बीफ बोटी की वजह से ना डबल ज़बरदस्त हो रही है। तो फ्रेंड्स अभी मेरा खाना आ चुका है, जिसमें बीफ बिरयानी और ये पेप्सी है। तो फ्रेंड्स बिरयानी तो बड़े ही मज़े की बनी है, और जो सब बैठे हुए हैं, ईशा भी बैठी हुई है, नाजिया भी बैठी हुई है, और अभी हम सब लोग मिल के बड़े मज़े की बिरयानी की पार्टी कर रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अभी हम लोग खाना खा रहे थे अपना, और हम लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, जितना भी दही था वो यूसरा के बालों ने और ईशा के कपड़ों ने खा लिया है। मुझे तो नहीं लगता है जब कुछ भी खाया है। तो फ्रेंड्स अभी बहुत रात हो गई है, हम लोगों ने रात का खाना खा लिया, हम लोगों को बहुत मजा आया है। और अभी ये नाभिया आ गई है गप्पे मारने, हैं? तो बस ठीक है फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का व्लॉग। अभी हम लोगों को बहुत मजा आ गया, अभी बस बहुत रात भी हो गई है, तो बस अभी मैं सोने वाला हूँ। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरा आने वाला हर नया व्लॉग वक्त पर मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।